सो गाइस, एक और धमाकेदार आईपीओ हमारे सामने आ चुका है जिसका नाम है ट्रैक्सन। लेकिन क्या ये धमाकेदार आईपीओ है? यहाँ पे रतन टाटा जी की इन्वेस्टमेंट है सिर्फ इस बात से, फ्लिपकार्ट को फाउंडर्स की इन्वेस्टमेंट है सिर्फ इस बात से, धमाकेदार नहीं हो सकता। देखो, सही धमाकेदार तो तब होगा जब हमें लिस्टिंग देने की क्षमता रखता हो, कंपनी अच्छा करता हुआ दिखता हो। डिटेल रिव्यू बताने वाला हूँ इस आईपीओ में पैसा बनेगा नहीं बनेगा, लॉन्ग मिड शॉर्ट और मेनली लिस्टिंग गेन के लिहाज से लगाना है या अवॉइड करना है, ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। डिटेल रिव्यू करने वाला हूं तो आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। जब चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपको हमेशा जन अपडेट्स मिलती रहती है और मिलती रहेगी। आपको अगर जो कोई भी कंफ्यूजन हो ईएमआई में इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स आईपीओ को लेके, तो चैनल पे प्रो एंड कॉन्स, मतलब इसका पॉजिटिव नेगेटिव, अभी जस्ट एक वीडियो के साथ अपलोड किया जा चुका है और कल प्रो एंड कॉन्स अपडेट किए थे, जाके देख लो। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो गाइस चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। यहाँ पे गाइस ये 10th ऑफ अक्टूबर को ओपन होने वाला है और क्लोजिंग डेट है इसकी 12th ऑफ अक्टूबर को, यानी कि आपका ईएमआई आईपीओ जो है वो क्लोज हो चुका होगा। अलॉटमेंट डेट 17 को है, लिस्टिंग डेट 20 को है और जो फेस वैल्यू है मात्र 1 रुपए की है, स्टैंडर्ड फेस वैल्यू 10 रुपए की नहीं है, ये ध्यान रख के चलना, एंड में बहुत यूज में आएगा ये आपके। यहां पे 80 रुपए का इशू का प्राइस है, इशू का जो साइज है वो पूरा का पूरा ओएफएस है, 309.38 करोड़ का, छोटा आईपीओ है लेकिन यहां पे पूरा का पूरा ओएफएस है, कंपनी के लिए यूज में कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। लिस्टिंग जो होगी एनसीबीएसई पे होगी, IIFL इसका सिक्योरिटी मैनेजर है, रजिस्ट्रार इसका लिंक्डइन टाइम है जिसे हम लेटिन टाइम के नाम से भी जानते हैं, जो 12 बजे रात को भी अलॉटमेंट दे देता है। रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो सिर्फ 10% का रखा गया है। यहाँ पे इस कंपनी की डिटेल आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये कंपनी क्या करती है, मार्केट इंटेलिजेंस डेटा प्रोवाइड करती है प्राइवेट कंपनीज को, जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं विप्रो को, टीसीएस को, या फिर रिलायंस को, या फिर टाटा ही किसी कंपनी को, ठीक है। तो ऐसी कंपनियों को ये दूसरी कंपनीज के डाटा, दूसरी कंपनी का प्राइवेट डाटा नहीं, मतलब जो मार्केट में होता है उसका इंटेलिजेंट डाटा प्रोवाइड करवाती है कि अपनी सर्विस को वो बेहतर कर सके, चाहे वो बात करें कॉम्पिटिटर की या फिर वो किसी कंपनी एक्वायर करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, जैसे रिलायंस किसी कंपनी को खरीदना चाहता है। अब उसके बारे में उसको डिटेल में डेटा चाहिए, मार्केट में से क्या वैल्यू है, क्या चल रहा है, कैसे कैसे क्या चीज है, तो ये इंटेलिजेंस बेसिस पे जाके कस्टमर से पता नहीं करती है, सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितना डेटा निकाल सकती है वो निकाल के और उनको प्रोवाइड करवाएगी। यही इसका एग्जैक्टली बिजनेस है। एक बार मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, फिर आपको इसकी वेबसाइट ले चलूंगा। 2013 में फाउंड हुई थी ये, इंटेलिजेंस डेटा प्राइवेट कंपनीज को ये प्रोवाइड करवाती है, ग्लोबल डाटाबेस है, कस्टमाइज सॉल्यूशंस फीचर्स हैं वो अपने कस्टमर्स को, जो प्राइवेट कंपनी है जो इनके फीचर्स या जो इनका सर्विस लेंगी उनको अक्रॉस सेक्टर, मतलब उनके बिजनेस के सारे सेक्टर के हिसाब से, जो भी बिजनेस है उसके हिसाब से उनका जो जियोग्राफिक तरीके से फुलफिल करती है, मतलब जो भी उस कंपनी का रिक्वायरमेंट है वो ये खुफिया तरीके से, वेबसाइट्स के तरीके से, खुफिया मतलब चोरी करने नहीं जाएंगे, जो भी इनके पास जो इनका सॉफ्टवेयर है वो सब उस कंपनी के लिए, उस कंपनी के बेस्ट के लिए काम करता है कि वो किस तरीके से अपना एक्सपेंशन कर सकती हैं, कंपनी किस तरीके से अच्छा कर सकती है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से अच्छे सेल आउट हो सकते हैं, ये सारी चीजें हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल जाती है। ये कंपनी अपनी कैटेगरी में ग्लोबली टॉप 5 प्लेयर में आती है, तो गाइस इस हिसाब से तो काफी बढ़िया कंपनी लग रही है कि भाई ग्लोबली अपनी कैटेगरी में 5वें नंबर पे आती है। और कंपनी एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे काम करती है जो ऑपरेट होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मतलब सॉफ्टवेयर पे ही ये सारा काम करते हैं, सॉफ्टवेयर से ही अपने कस्टमर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। कंपनी के पास 662 मिलियन से ज्यादा वेब डोमेन स्कैन करने की क्षमता है, स्कैन मतलब कर भी रखा होगा, और किसी 2003 फीड्स में 1.4 मिलियन से अधिक प्रोफाइल को स्कैन करता है। और ये देख लो आप, इंडस्ट्री में सेक्टोरियल वाइज, सब सेक्टर वाइज, ज्योग्राफी वाइज, आरटी एफिलिएशन वाइज, नेटवर्क ग्लोबल स्कैन करता है। यहाँ पे 31 मार्च 2021 तक का डेटा है, मतलब समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा वाइड रेंज है इसके वर्क की, मतलब जिस सेगमेंट में ये काम करता है, इसीलिए छुपे छुपे डेटा निकाल के भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाता है ताकि बढ़िया से बढ़िया डील कर सको, बढ़िया से बढ़िया अपना बिजनेस बढ़ा सको, बढ़िया से बढ़िया अपना कंपनी का काम आगे ले जा सको, ठीक है। लेकिन इस कंपनी की भी एक लिमिटेशन ये जरूर होगी कि हर एक चीज आपको नेटवर्क वेब पे नहीं मिल सकती कंपनीज के बारे में, ठीक है। आपको नीड्स पता चल सकती है कस्टमर्स की, आपको दूसरे कंपनी के कुछ वीक पॉइंट्स पता चल सकते हैं, लेकिन
पूरी तरीके से आप हेल्प तो नहीं कर सकते, ठीक है। जितना इसमें आपको डिटेल लग रहा है कि बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया भी नहीं आप कह सकते इसको। हाँ, अगर जो मैं 100 में रेट करूं तो 70 मान सकता हूं कि ये चीज नहीं सोची जा सकती थी, पर उन्होंने कंपनी स्टार्ट की। और भाई प्रमोटर्स भी हस्बैंड वाइफ है, अभी बताऊंगा आपको। बात करें 30 जून 2022 तक की, तो कंपनी के 58 से ज्यादा देशों में कारोबार है, 1139 कस्टमर है और यहाँ पे जो यूजर्स है 3271, और इनके कस्टमर्स में गाइस फॉर्च्यून 500 के कस्टमर्स भी शामिल है। फॉर्च्यून 500 मतलब दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनीज में से भी शामिल है। दुनिया की सबसे बड़ी 500 कंपनीज को फॉर्च्यून 500 कंपनी कहा जाता है, वो भी इनके कस्टमर है। एक कंपनी लिस्टेड हुई थी ऐसे ही, जो फॉर्च्यून 500 कंपनी के लिए काम करती है, ऐसे ही वो भी डेटा एनालाइज करती थी। मेरे ख्याल से उसका नाम है लेटेंट व्यू, ठीक है। अभी इसमें तो लेटेंट व्यू मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कंपैरिजन का कोई वीडियो मैं जरूर इसके बारे में आपको डाल दूंगा। वैसे भी 10 तारीख ओपन हो रही है यार, बहुत टाइम है, ठीक है। तो यहां पे वो भी कंपनी ऐसा करती थी, लेकिन भाई डेटा ठीक है, अलग ही कंपनी है फॉर्च्यून 500 की, मुझे से याद आया, ठीक है। उसका बिजनेस काफी बेहतर मुझे इससे देखने को मिल रहा है, तो मैं आपको एक कंपैरिजन वीडियो का जो मुझे लगा कि जरूरी होगा तो बिल्कुल आपको देने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे गाइस वापस आ जाते हैं हम। कंपनी ऑफर करती है अपने प्राइवेट कंपनी कस्टमर्स को डील सोर्सिंग, आइडेंटिफाइंग M&A टारगेट, डील डिलीजेंस, एनालिसिस, ट्रैक, ये सारी चीजें जो मैंने आपको भी पीछे बताई है ना, वही सब यहां पे देने को मिल रहा है। कंपनी की वेबसाइट पे ले गया, देखो यहां पे वही है डेटाबेस कंपनियों का, जो सारा का सारा इन्होंने वो स्कैन कर रखा है, या स्कैन करने का जो भी इनका प्रोसेस है वो हो गया, ठीक है। ये इनका है CRM, डाटा फ्लो CRM, फीचर्स, लोकल ट्रैकिंग, ग्लोबल ट्रैकिंग, सोर्सिंग, कवरेज, डिलीजेंस, इनसाइट और रिपोर्ट्स, फ्री रिपोर्ट्स और प्रीमियम रिपोर्ट्स आपको देने को मिल रहा है, ठीक है। इस कंपनी के पास एक ऑप्शन और है कि आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि अपनी कंपनी के बारे में डिटेल हमें बताएं, तो ठीक है, मैंने डिटेल डाल दिए, कल आएगा मेरे पास कॉल और फिर अच्छे से इस कंपनी के बारे में समझने की कोशिश करूंगा, जो यहाँ पे है, लेकिन मैं एज अ कस्टमर इस कंपनी को समझने की कोशिश करूंगा, फिर आपको अगली वीडियो बताऊंगा। ये जो पैसा कमाते हैं वो इस हिसाब से कमाते हैं, देखो इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए भाई कंपनी को एक सॉफ्टवेयर पहले ही बताया, सॉफ्टवेयर दे रखा है। सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर 36,000 पर मंथ लेते हैं, अगर जो आप एनुअली लेते हो, क्वार्टरली देते हैं, अगर जो एनुअली लेते हो तो 33,000 पर मंथ पड़ेगा आपको, ठीक है। एडिशनल यूजर आपको 25,000 का पड़ेगा, फिर यहाँ पे 72,000 देने मिल रहा है, फिर 144,000 का देने को मिल रहा है ग्रुप में और स्मॉल टीम में। तो यहाँ पे भाई ग्रुप वाली ही जो बड़ी कंपनियां होंगी लेती होंगी, 144,000 इनको देखने को मिल रहा है, मतलब एक मंथ का, ठीक है, ये ध्यान देना, मैंने यहां भी बोल दिया, एक मंथ का 144,000 लेंगी, एक मंथ का 36,000 लेंगी, और यहां पे जो बिलिंग होगी वो क्वार्टरली होगी, मतलब 3 महीने का होगा, उससे कम बिलिंग नहीं करेंगे। ये चीज मैं कल कॉल आएगी तो कंफर्म भी कर लूंगा। तो यहां पे आपको मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि रतन टाटा जी की इसमें इन्वेस्टमेंट है। देखो बिजनेस अभी तक समझ चुके हो, अगर जो नहीं हुआ ना तो मैं कल कॉल पे फिर से समझ के आपको समझाऊंगा, पर मैं बिजनेस एक बार फिर से पुख्ता समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे हिसाब से समझ चुके हो, एक बार आप बताना जरूर कि आपको इसका बिजनेस मॉडल समझ में आया कि नहीं आया। यहां देख लो, ये सारे लोग इनके जो है इन्वेस्टर है, एंजल इन्वेस्टर, यहां पे रतन टाटा जी जिनको हम जानते हैं और बिल्कुल पहचानते हैं, हम सबके आइडियल हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है इसमें। और गाइस उसके बाद सचिन बंसल, हम फ्लिपकार्ट के नाम से जानते हैं, डिलीवरी के को फाउंडर साहिल जी भी यहां देखने को मिल जाएंगे, और कई सारे लोग हैं, लेकिन यहां पे आपको जो फेमस नाम देखने को मिल रहा है वो बता रहा था, ठीक है। यहां पे बिनी जी, यहां पे बिनी बंसल भी यहां पे को फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट, ये लोग भी हैं और काफी सारे फेमस नाम यहां पे हैं। तो आपको इस वजह से अट्रैक्शन जरूर लगेगा कि भाई टाटा की इन्वेस्टमेंट है, पर यहां पे आपको आके दिमाग खराब हो जाएगा। एक तो पहले ही प्राइस बैंड महंगा है, प्राइस बैंड मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, याद होगा तो कमेंट में बताना जरूर कि आपको याद है, मेरे हिसाब से तो भूल चुके हो गए आप, ठीक है। जो प्राइस बैंड है वो 75 से 80 रुपए का, यानी कि 80 रुपए का है, और ये 10 रुपए की स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे नहीं है, 1 रुपए की स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे है। तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो आपको स्टैंडर्ड फेस वैल्यू 10 बनता हुआ दिखेगा। तो यहां पे 80 रुपए को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे स्टैंडर्ड फेस वैल्यू तक बनाने के लिए, तो एक शेयर जो है इसका 800 रुपए का है एग्जैक्टली, मतलब आपको एक शेयर इसका जो पड़ेगा वो 800 रुपए का नॉर्मली पड़ने वाला है, ठीक है। इसका फाइनेंशियल डिस्कस करना है इस आईपीओ का, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये भी जानना। यहाँ पे देखो शेयर मार्केट टॉक्स का टेलीग्राम हैंडल 21.5 के सब्सक्राइबर्स है। देखो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक एफएनओ कॉल देखने को मिलती है, स्टॉक एफएनओ दिया था मैंने लास्ट फ्राइडे को, समझा भी जाता है। ये देखो निफ्टी कॉल दी गई थी, बैंक निफ्टी कॉल दी गई थी, और शानदार गेन इसमें भी हमें बनता हुआ दिखा है। इंट्राडे भी दिया गया था, उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे नहीं लिया, और रेगुलर दिया जाता है आपको 2 से 3 इंट्राडे और निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल। तो अगर जो आप लेते हो, सीखना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग नाम से, थंबनेल देख लो आप, वो देख के सीख लोगे आप कैसे बैंक निफ्टी निफ्टी में कॉल लेते हैं, कैसे सीबी लेते हैं, या फिर आपको आता है तो ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे इसका लिंक मिल जाएगा, नंबर 2 पे लिंक मिल जाएगा न्यूज चैनल का, जहां पे मैं सारी डिटेल्स डालता हूं। तो अगर जो आप लिंक से फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो फटाफट आप हमें जाके सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो शेयर मार्केट टॉक्स के नाम से टेलीग्राम हैंडल पे। 21,000 प्लस सब्सक्राइबर वाले चैनल को ज्वाइन करना, फेक से बच के रहना। तो चलिए फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कंपनी एक तो यार सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो बहुत ज्यादा एसेट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एसेट मतलब यही इनका ऑफिस ऑफिस बन गया होगा, कहीं पे बैठने बैठने के लिए ऑफिस ले लिया, वही सब है,
एसेट के मामले में, ऐसा नहीं बिल्डिंग बनाती जा रही है, मशीनरी यूज हो रही है, एसेट वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं। तो गाइस यहां पे टोटल रेवेन्यू की बात, तो देखो 2020 2021 2022 का डेटा है, ठीक है, इस वाले पार्ट को भूल जाओ, 30 जून 2021 का तो ही बेहतर होगा, क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे फिर सीधे सीधे आ देना 30 जून 2022 का डेटा, मतलब पिछले क्वार्टर का डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है रिवेन्यू, वो 6 करोड़ का था, फिर 55 करोड़ हुआ, फिर 65 करोड़ देखने को मिल रहा है, और अभी 19 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है क्वार्टर वन का। तो यहाँ पे 20 करोड़ भी मान लो, 4 क्वार्टर का जो देखेंगे तो भी अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। तो 80 करोड़ इस साल भी इनका आ सकता है करंट फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देखो माइनस में है, -54 करोड़, फिर -4 करोड़, मतलब रिकवर किया है, फिर -4.8 करोड़, और अभी अगर जो बात करें तो 92 लाख का प्रॉफिट बना लिया इन्होंने, लॉस से निकल के ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई है भैया, 92 लाख का इसने बना लिया है प्रॉफिट। लेकिन एक क्वार्टर में अगर जो इसने 92 लाख का प्रॉफिट बना लिया है तो पूरे साल में ये करीब 3.5-4 करोड़ तक का प्रॉफिट बना सकती है। तो गाइस जो कंपनी 54 करोड़ के लॉस में है वो 4 करोड़ तक का प्रॉफिट बना ले पूरे साल में तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन 800 रुपए के शेयर के हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। नेटवर्थ जो है इनकी अभी हमें देखने को मिल रही है 2021 में 20.64 करोड़ की, अभी 22 करोड़ की देखने को मिल रही है, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम पे पहले नेगेटिव थे ये, लेकिन अभी इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहा है 12.95 करोड़ का, जो कि 10 का था 31 मार्च 2022 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा अच्छा करती हुई हमें कंपनी नहीं दिख रही है। साथ में यहाँ पे आपको एक चीज और नोटिस करनी है, वो कि जो ये इशू आ रहा है वो पूरा का पूरा OFS है। OFS मतलब कंपनी के हिस्से में कुछ नहीं है, कंपनी का एक्सपेंशन नहीं करना, कोई काम नहीं करना, कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है, सारा का सारा प्रमोटर आ रहे हैं डाइल्यूट करेंगे और ये पैसे अपने घर लेके जाएंगे। यहाँ पे नेहा जी और अभिषेक गोयल जो है हस्बैंड वाइफ है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनके फाउंडर। यहाँ पे जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो एग्जैक्टली तो सामने नहीं आई है, लेकिन जो मुझे बहुत ढूंढने के बाद पता चला है वो करीब 25.50 के आसपास दोनों की हिस्सेदारी है, ठीक है। तो मतलब देखा जाए तो करीब दोनों मिलके 51% अराउंड होल्ड करते हैं, तो अच्छी बात है। यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन करीब 2.55 करोड़ शेयर इन दोनों को मिला के इनके पास हैं, और जिनमें से ये 76 लाख शेयर जो हैं इसमें बेचने वाले हैं। साथ में यहाँ पे जो इनके एंजल इन्वेस्टर है उनमें से भी कई लोग अपने शेयर्स बेच रहे हैं, अभी क्लियर डेटा नहीं है, लेकिन जो दोनों फाउंडर थे फ्लिपकार्ट के वो तो सेल कर ही रहे हैं, बाकी और भी लोग सेल कर रहे हैं। टाटा का इन्वेस्टमेंट इसमें रहेगा नहीं रहेगा ये मुझे क्लियर नहीं है, अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो पीयर कंपैरिजन, पीयर कोई मार्केट में जो लिस्टेड है और टाटा की इन्वेस्टमेंट इसमें रहेगी या निकल रही है ये भी बता दूंगा। मेरे हिसाब से सब लोग ही निकल रहे हैं, क्योंकि कंपनी आगे कुछ अच्छा कर सकती है, यही जो लोग पॉजिटिव होंगे ना एंजल इन्वेस्टर में वही इसमें से निकलने की कोशिश करेंगे। करीब 3,86,72,208 शेयर बेचे जा रहे हैं, इनमें 76 लाख तो यही लोग बेच रहे हैं, बाकी जो इन्वेस्टर है उनमें से कुछ लोग निकलेंगे नहीं निकले। तो यहाँ पे ये कंपनी में फिलहाल तो मेरे हिसाब से 99% अवॉइड है, 1% इसलिए कि भाई मार्केट को पसंद आ गया, हालांकि मार्केट को पसंद आएगा नहीं। आप एक चीज और देखो, सिर्फ 10% ही रिटर्न कोटा दिया गया है, ठीक है। अब 10% का मतलब ये है कि न्यूज यहाँ पे ये भी है कि 75% QIBs को दिया गया, तो मोस्टली जो पैसा वो QIBs डालेंगे। अब QIBs ने 75% का पोर्शन अगर जो ढंग से बुक कर दिया तो लिस्टिंग गेन तो मिल जाएगी थोड़ी बहुत, देखो तो ढंग से जब बुक करेंगे तो देखेंगे। 99% इसमें अवॉइड है, पैसे वैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा फंड होगा तो देख लेंगे, लगाना होगा लास्ट डे, लेकिन ये IPO मेरी तरफ से तो अवॉइड है और आई थिंक मार्केट की तरफ से भी अवॉइड रहने वाला है। ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकलती नहीं दिख रही है, इसके बाद मैं आपको ग्रे मार्केट में की वीडियो अपलोड करता हुआ दिख जाऊंगा, या फिर अपने न्यूज चैनल पे आपको इसकी न्यूज IPO के सारे ग्रे मार्केट प्रीमियम देता हुआ दिख जाऊंगा। जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में देने को मिल रहा है आपको लिंक, नंबर 1 पे कॉल वाला ग्रुप, नंबर 2 पे न्यूज वाला ग्रुप। करते हैं वीडियो, थैंक यू वॉचिंग, प्लीज टेल दिस टू एवरीबॉडी एंड बाय बाय फॉर नाउ।